प्रदेश की राजधानी में गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। भोपाल आई ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने घर, संस्थान, प्रतिष्ठान, होटल, लॉज या किसी भी बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस के सर्विलांस सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है। जानिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपराधियों को हाईटेक तरीके से पकड़ेगी। उसने भोपाल आई ऐप लॉन्च कर दिया है। शहर में लगी सीसीटीवी कैमरों को इससे कनेक्ट कर पुलिस अब उसके जरिए गुंडे बदमाशों पर नजर रखेगी। अपनी इस नई मुहिम में वो निजी घरों में लगे कैमरे भी शामिल कर रही है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए भोपाल पुलिस ने हाईटेक कदम उठाया है। उसने भोपाल आई नाम से ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए वो पुलिस मुख्यालय से पूरे शहर पर निगरानी रखेगी। अभी तक पुलिस शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों एवं अन्य जगह लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखती थी। ये निगरानी एक सीमा तक ही रहती थी, लेकिन अब पुलिस ने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर के हर कोने पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इसमें एक हम लोग ऐप जो है भोपाल आई करके लॉन्च कर रहे हैं। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का कल्मिनेशन है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक महीने से और इनफैक्ट 45 डेज से सारे जितने भी शहर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नर्सिंग होम एसोसिएशन है, चाहे पेट्रोल पंप है, सराफा एसोसिएशन है, जो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जिनके होटल्स हैं, जिनके लॉजेज हैं, हर इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर बैठकें की थी। सबसे रिक्वेस्ट किया था कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भोपाल आई करके एक ऐप लॉन्च करेंगे, जिसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हम जो है आप अपने उसमें रजिस्टर जब कराएंगे आप, तो वो जो कैमरे का फीड है वो कंट्रोल रूम में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी और आप अपने मोबाइल पे भी वो ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। तो वो जो जो सीसीटीवी का जो हमारा कवरेज है ज़िले में, उसको काफ़ी जो है बल मिलेगा। तो इसी तारतम्य में जो है हमारे यहाँ पे जो साइबर के विंग है, उसने ये ऐप डेवलप किया है, उसको गूगल प्ले स्टोर पर डाला भी है, और अभी आपको ऐप के बारे में एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और इसका जो फुटेज है बना करके वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं को दे भी देंगे। जो ऐप का जो 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 फीचर्स हैं उसके जो है वो बना करके हम दे भी देंगे। इसके अतिरिक्त जो है एक अतिथि करके जो है एक हमारा दूसरा ऐप है, वो भी जो है हमारे स्टेट साइबर के जो अधिकारी हैं वो उनको बुलाए हैं, उसको भी बताएंगे उसके बारे में। बट ये बेसिकली उनके लिए आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, छात्रावास वगैरह में जो भी ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी सीधे पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को मिलेगी किस तरह। भोपाल आई ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने घर, संस्थान, प्रतिष्ठान, होटल, लॉज या किसी भी बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस के सर्विलांस सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है। सर्विलांस सिस्टम से जुड़ने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम से उस जगह की गतिविधियों की निगरानी करेगी। कई लोग इस सिस्टम से जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। भोपाल आई ऐप को यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा, जिसमें यूजर को अपने घर या दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के आईपी एड्रेस की डिटेल अपलोड करनी होगी। यह प्रोसेस करने के बाद जियो ट्रैकिंग के माध्यम से यूजर की लोकेशन पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को मिल जाएगी और वहां से पुलिस यूजर के घर की लाइव निगरानी कर सकेगी। पुलिस ने प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो भोपाल आई जो ऐप लॉन्च किया है, उसका बेसिक पर्पस है कि हम लोग जो है जो फीचर्स दे रहे हैं यहाँ पे ऐप के माध्यम से, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो, कि उसमें जो लोग रजिस्टर कराएंगे तो अपनी फीड जो है हमसे शेयर कर पाएंगे और हम उनको बेसिकली गाइड कर पाएंगे यहाँ पे अपने फीड देख देख करके कि आसपास जो है कहीं पे कोई ऐसी अवांछनीय गतिविधि हो रही है, किसी तरह का कोई क्राउड गैदर्ड है या कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो सिटी को सेफ बनाने के लिए एक ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नर्सिंग होम एसोसिएशन है, चाहे वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, सबकी बैठ के हम लोगों ने बुलवाई थी। हम सबसे रिक्वेस्ट किया था कि अपनी फीड्स जो है एटलीस्ट जो रोड की कनेक्टिंग फीड्स है वो हमसे शेयर करेंगे तो हम जो है शहर को
बेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाने में हम लोगों को योगदान मिले। तो काफ़ी पॉजिटिव है रिस्पॉन्स, वो कई लोग जो है जुड़ना चाह रहे हैं इसमें। उनको चूंकि कई बार जो है जानकारी नहीं रहती है, तो एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ऐप लॉन्च किया है ताकि सब लोग इस पे आ जाएंगे, सबके लिए सुविधाजनक रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो दूर करने में सुविधा रहेगा। देखिए कैमरा जहाँ पर भी रहेगा तो नेचुरली जो है वो एविडेंस बेस्ड वो एक बनता है, चीज़ें बनती हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर पाता। प्लस वहाँ पे नेचुरली अगर लाइटिंग वगैरह की कमी है तो हम उनको बोल पाएंगे कि वहाँ पे नगर निगम के माध्यम से या जिसका भी एरिया है कि वहाँ पे इम्प्रूव कर जाए। वैसे भी जब कैमरे लगते हैं तो एरिया नेचुरली सिक्योर होने लगता है, क्योंकि आप जो है कहीं पर भी बैठ करके अपने चीज़ों को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने घर को मॉनिटर कर पाते हैं। जाहिर है पुलिस की ये व्यवस्था अपराधियों पर लगातार नजर रखने के लिए है। सीसीटीवी कैमरे से मिलने वाले फुटेज के जरिए उसे घटना और अपराधियों के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। इससे अपराधियों की पहचान आसानी से होगी, आम जनता में सुरक्षा और अपराधियों में डर पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।